जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, सभी लोग जो भी देख रहे हैं तो सब लोगों के पास ये वीडियो पहुंच रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज का क्वेश्चन है हमारा, कल कितने तक हुआ था नेक्स्ट क्लास में हमारा? नेक्स्ट क्लास में हमारा तक हुआ था, हाँ ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा। हमने दे रखा है टेन थीटा बराबर, दे रखा हमने क्वेश्चन है हमारा ने टेन थीटा बराबर थ्री बाई फोर दे रखा है, और वो पूछ रहा है कि फोर साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू कॉस स्क्वायर थीटा, फोर साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन अपॉन फोर साइन स्क्वायर थीटा प्लस थ्री कॉस स्क्वायर थीटा, फोर साइन स्क्वायर थीटा प्लस थ्री कॉस स्क्वायर थीटा पूछा है उसने। ऑप्शन दे रखा है हमें ए देख रखा है एक बटे इक्कीस, बी दे रखा है। अब सभी लोग अपने जवाब कमेंट में दे देना, मुझे रीड करूंगा सभी कमेंट से रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन है चार बटे इक्कीस, और डी नंबर ऑप्शन है इसका हमारा आठ बटा इक्कीस। ठीक है, ये क्वेश्चन है तो सॉल्व करिए सभी लोग, कौन कौन करता है, कौन सबसे पहले जवाब देता है, फिर मैं आपको कराता हूँ ये। तो चलिए करते हैं सवाल, क्या है इसमें कुछ नहीं है तो एक मैं आपको कर लिखा हुआ बता दूंगा। तीन है चार है, तीन है लम ये चार है तो ये पांच होगा, तो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यहाँ से करेंगे, तो इसमें हम टेन लाने के लिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे? या तो तुम डायरेक्टली यहाँ से तीन और चार साइन की वैल्यू रख सकते हो, ऐसे कर सकते हो, चार गुणा साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से हमारी लम बटे का तीन गुणा पांच का स्क्वायर यानी नौ बटे पच्चीस हो जाएगा, माइनस ऐसे क्या हो जाएगा हमारा दो गुणा चार बटे पांच का स्क्वायर कितना हो जाएगा सोलह बटे पच्चीस हो जाएगा, ऐसे ही हमारा ए हो जाएगा चार गुणा नौ बटे पच्चीस और माइनस तीन गुणा सोलह बटा प्लस ए सोलह बटा पच्चीस हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी पच्चीस एलसीएम आएगा, इसमें भी पच्चीस एलसीएम आएगा, तो चार नाम है छत्तीस हो जाएगा, ये सोलह दुनी अड़तालीस हो जाएगा, क्या हो जाएगा सोलह दुनी अड़तालीस हो जाएगा। ठीक है, सोलह दुनी बत्तीस होता है ना, ये बत्तीस हो जाएगा हमारा। ठीक है, और एलसीएम कितना आएगा इनका पच्चीस आएगा, इसी प्रकार नौ चौक छत्तीस और सोलह की अड़तालीस और छत्तीस कितना हो जाएगा हमारा चौरासी हो जाएगा, कितना हो जाएगा चौरासी बटे पच्चीस हो जाएगा, तो पच्चीस से ये पच्चीस कट जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, हमारा बचेगा चार बटा चौरासी, तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ से एक बटे इक्कीस, ये हमारा आंसर था, कुछ ऑप्शन नहीं है हमारा, तो ए नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का। ए एस एस सी ने एस एस सी सी एच एस एल 2014 में पहुंचा गया, पूछा गया है एस एस सी सी एच एस एल 2014 में। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है, एक और तरीका था आप सिंपल, इसमें इसमें कॉस से भाग दे देते, इसमें कॉस से भाग देते तो ये क्या हो जाता हमारा, कॉस से भाग देते कॉस से कॉस कट जाता ये टेन हो जाता हमारा टेन स्क्वायर थीटा, यार ये क्या हो जाता टेन स्क्वायर थीटा हो जाता। आप सिंपली सोल्व कर लो इसको, टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता नौ बटे सोलह हो जाता हमारा, और ये क्या हो जाता यहाँ पर भी नौ बटे सोलह हो जाता, ये चार तो सोलह तो नौ बटे चार तो नौ चार यहाँ तो यहाँ एक आ जाता एक बजता नीचे कितना होता है चार, तो चार से चार ही गया चार की बारह उन्नो इक्कीस, ये हमारा ऐसे सॉल्व हो जाता है, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो आप इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको मिटा रहा हूँ, समझ आ गया होगा आपसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टेन थीटा बराबर दे रखा है हमने, क्वेश्चन हमारा टेन थीटा बराबर दे रखा है आठ बटे पंद्रह, ये लाल बटे कट्टा वाले सवाल भी चल रहे हैं सभी, फिर आगे अच्छे वाले सवाल आएंगे वो भी मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं आठ बटे पंद्रह, और वो पूछा है कि रूट वन माइनस साइन थीटा बटे रूट वन प्लस साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये ऑप्शन दे रखा है उसने वन बाई फाइव टू बाई फाइव थ्री बाई फाइव वन बाई फाइव डी दे रखा है टू बाई फाइव सी दे रखा है थ्री बाई फाइव और डी दे रखा है जीरो।
ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, हर बार बताता हूँ, ट्रिपलेट बताता हूँ अपने, हर बार तुम लोगों को ट्रिपलेट याद रखना है हमें, ठीक है। लंब बटे आधा, ये 8 है, ये 15 है, तो ये हमारा 17 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व कर लो, ये वैल्यू इन में रख लो, साइन थीटा क्या होगा हमारा, यहाँ से लिखने के लिए क्या हो जाएगा, साइन थीटा 1 - 8/17 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ये क्या हो जाएगा हमारा, 1 + 8/17 हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको, क्या हो जाएगा, 17 में 4 है तो 9 √9 √17 लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। ये बचेगा इतना हमारा, डिटेल में हमारा क्या हो रहा है, ठीक है। इसको मैं जब सॉल्व करूंगा तो ये आएगा हमारा 17 - 8/17, और ये हो जाएगा हमारा 17 + 8/17 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा 17 में 60 गया तो 9 / 17 √ और नीचे क्या बचेगा, 17 और 8 = 25, तो ये हो जाएगा 25 / 17 हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 / √17 और हो जाएगा हमारा 5 / √17, तो √17 से √17 कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। ये सभी सवाल लाल बटे का चल रहे हैं, आप ध्यान रखिए, ठीक है। सभी लोग ज्यादा से ज्यादा सवाल इसीलिए करा रहा हूँ, एक पैटर्न पे ज्यादा से ज्यादा सवाल इसीलिए करा रहा हूँ, अगर आप ज्यादा सवाल करोगे तो आप भूलोगे नहीं, मेथड समझ में आ जाएगा, एग्जाम में सिंपली यूज कर सकते हो। तो हमारा क्या आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया 3/5 आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सभी लोग नोट डाउन करके समझते जाइए क्वेश्चन, सभी लोग वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए यार, मैं नहीं आएगा जब तक आप वीडियो शेयर नहीं करोगे तब तक, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, हमारा अगला क्वेश्चन है, डाल दूं पहले इसको, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, tan अल्फा बराबर दे रखा है हमें, तो क्या दे रखा है क्वेश्चन हमारा, tan अल्फा बराबर 2 दे रखा है हमें, tan 2/1 इसको, ठीक है। तो बोल रहा है cosec² α - sec² α, वो बोल रहा है cosec² α - sec² α + sec² α + sec² α की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा है उसने। तो मैं ऑप्शन बता देता हूँ आपको, ए ऑप्शन दे रखा है 15/9 / 3/5 माइनस का 15/9, बी दे रखा है 3/5, सी दे रखा है माइनस का 3/5, और डी दे रखा है 17/5 दे रखा है, ठीक है। सीजीएल में पूछा गया है, सीजीएल 2017, ठीक है, ट्रेन में, ठीक है। तो इसको सॉल्व करें तो इसमें भी वही है हमारा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तो हमारा √5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी में कर चलो सॉल्व भी करा देता, तो cosec थीटा बराबर देने क्या होता है आपको, फिर ये सिंपल मैथड बता दूँ, पहले मैं आपको डिटेल में सॉल्व करा दूँ इसको, तो सिंपल तरीके से बता दूँ ना, तो आप यहीं से आंसर निकाल सकते हो इसका, ठीक है। तो cosec² α क्या हो जाएगा हमारा, cot/lambda हो जाएगा, तो cot/lambda क्या हुआ, √5 और 2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस इसका इसका क्या होता है sec थीटा का आधार बटे cot, कर्ण बटे हमारा तो कर्ण के हमारा √5 अपन ये भी स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा नीचे हो जाएगा, √5/2 + √5/1 जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5/4 - 5/1 हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5/4 + 5/1 हो जाएगा, तो ठीक है, ये क्या हो जाएगा 5 × 20, यहाँ से सॉल्व करते हैं, ठीक है, कर लेता हूँ मैं, इधर देखना सभी लोग ध्यान से, तो क्या हो जाएगा जब उसको सॉल्व करेंगे तो हम हो जाएगा 5 - 20/4, और जब उसको सॉल्व करेंगे नीचे वाले में तो 5 + 20/4 हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा हमारा, तो ऊपर क्या बचेगा -15/25, तो जब ये सॉल्व करेंगे इसको तो आंसर आ जाएगा हमारा 3/5, तो कौन से ऑप्शन में दे रखा है हमने 3/5, तो 3/5 हमें
बी नंबर ऑप्शन में दे रखा है, तो याद रखना चाहिए। क्या आंसर हो गया हमारा इसका, 3/5 आंसर हो गया। समझे सभी लोग? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे सॉल्व करेंगे जब आप 2000 बार सॉल्व करेंगे तो सेकंडों में सॉल्व हो जाएंगे आपसे। मैं देखते ही सॉल्व कर देता हूँ सवालों, मैं भी पढ़ता था जब देखते ही सॉल्व कर देता था। ठीक है, तो सभी लोग समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नोट डाउन कर लीजिए सभी लोग, मैं क्वेश्चन बता देता हूँ आपको हर बार। ठीक है सभी लोग, जल्दी जल्दी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लिया वीडियो को, जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए वीडियो। ठीक है, अगर ये वीडियो 1000 के पार नहीं गई तो फिर यार क्या बढ़ाने का मतलब है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछ रहा है, एक क्वेश्चन दे रखा है कि टेन थीटा बराबर 2 दे रखा है हमने, तो आठ साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा, 5 कॉस थीटा अपॉन दे रखा है साइन क्यूब थीटा 2 कॉस क्यूब थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। ठीक है, नीचे दे रखा है साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा प्लस 2 कॉस क्यूब थीटा, 2 कॉस क्यूब थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। क्वेश्चन से ही क्वेश्चन पढ़ लो, तो एक बार क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन दे देता हूँ मैं आपको। ऑप्शन दे रखा है 1/21/5, 1/8/5 और 1/7/5 और 16/5, 7/5 और 16/5। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ए बी सी और डी। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ से, हर बार में ये बताता हूँ। ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये रूट 5 हो जाएगा हमारा। बस सॉल्व करते जाइए, यहाँ से आप कुछ नहीं है। सॉल्व करेंगे ये 3 का वैल्यू तो फिर ठीक है, 8 × sin θ क्या होगा हमारा 2/5 हो जाएगा, प्लस cos θ क्या होता हमारा 5 × 1/√5 हो जाएगा। ठीक है, जब नीचे सॉल्व करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा हमारा 2/√5 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 2 × 1/√5 का क्यूब हो जाएगा, ये प्लस के 3 × 1/√5 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझे सभी लोग? तो 8 × 16 और 5 = 21, ये तो हमारा 21 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऊपर 8 × 16 और 5 = 5, 16 और 5 जुड़ जाएंगे तो 21 हो जाएगा, और नीचे √5 कॉमन आ जाएगा, 16/√5 हो जाएगा ऊपर का सॉल्व, 21/√5 हो जाएगा। ठीक है, सभी लोगों को समझ आ रहा है, क्या हो जाएगा 21/√5 हो जाएगा। इसी तरह से हमारा जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 8/5√5। ठीक है, प्लस का ये क्या हो जाएगा हमारा 2/5√5, प्लस ये क्या हो जाएगा हमारा 3/√5 हो जाएगा, 3/√5 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा हमारा, इसका एलसीएम आएगा 5/5 आएगा एलसीएम। तो ठीक है, इनका तो किसी का बात नहीं है, ये √5 है तो इसमें 5 का गुणा हो जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे हम 8+2+3 × 5 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो 8 और 2 10 और 15 25, 10 और 15 25 हो गया हमारा। तो सॉल्व कर रहे हम क्या हो गया इसका, इसका वैल्यू कितना आ रहा है सॉल्व करके हमारा 21/√5, और उसका वैल्यू कितना आ रहा है सॉल्व करके 25/√5 आ गया। तो √5 से √5 कट जाएगा हमारा, और 5 से 25 5 बार चला जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा 21/5 आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, सभी लोगों को समझना है, इस बात कुछ नहीं करना है यार, बस वैल्यू रखना है, कुछ ना करना आपको, सिर्फ वैल्यू रखना है, आंसर आ रहा है। ठीक है, लाल बटे कैसे हो रहे हैं सभी सवाल, ठीक है याद रखना। ठीक है, हो गया ये सवाल हमारा, नोट डाउन कर लेना सभी लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा एफसीआई में पूछा गया, एफसीआई में पूछा हुआ क्वेश्चन है हमारा, एफसीआई पूछ कर करके
परीक्षा में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, उम्मीद है आपको मिला होगा समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरे यार ठीक है चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रखा है, क्वेश्चन नंबर 33 है, ये रखा है tan अल्फा बराबर 2 दे रखा है, tan अल्फा बराबर 2 दे रखा है, क्या दे रखा है tan अल्फा बराबर 2 दे रखा है, और दूसरा है sin अल्फा बटे, और दूसरा है कि sin अल्फा बटे sin क्यू अल्फा प्लस cos क्यू अल्फा की वैल्यू क्या होगी। तो ऑप्शन क्या क्या दे रखा है, 2/9, 10/9, 2/9, 10/9 और 5/9 और क्या दे रखा है 5/5/9 दे रखा है। ठीक है 5/5/9 दे रखा है, ए हो गया, बी हो गया, सी है, ए डी है हमारा। ठीक है सॉल्व करते हैं इसको, सिंपल है कुछ नहीं, 2a/√5 है वही हर बार आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा साइन अल्फा हमारा हो जाएगा 2/√5, तो ये क्या हो जाएगा साइन क्यू अल्फा हो जाएगा हमारा 8/5/5 और ये 1/5/cos क्यू अगर लेते हैं क्या हो जाएगा हमारा 1/5/5 हो जाएगा। तो ठीक है इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2/√5/9/5/5। ठीक है जब √5 से √5 कट जाएगा, ये 5 ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 10/9, तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा 10/9, तो ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया इसका। ठीक है आज कभी इसी प्रकार के सवाल आ रहे तो मुझे जल्दी कराता जाता हूँ आपको। ठीक है ये समझ आ गया सभी लोगों को, नोट डाउन कर लीजिए, सभी लोग कमेंट में जरूर आंसर दे दिया मुझे इन सभी क्वेश्चन का। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं सभी लोग प्लीज प्लीज सभी लोग वीडियो जरूर जरूर शेयर करें, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। ट्रिग्नोमेट्री आप इस तरीके से कर लिए, हर पैटर्न के सवाल हर तरीके से मैं सॉल्व कराऊंगा आपको, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप सवाल देखते ही समझ जाओगे कौन से सवाल को किस तरीके से करना है हमें। ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा tan थीटा बराबर, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा हमें कि tan थीटा बराबर दे रखा है 31/29 दे रखा है, तो वो पूछ रहा है 1+3 sin थीटा, वो पूछ रहा है 1+2 sin थीटा cos थीटा, और पूछ रहा है 1-2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा। ठीक है तो ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं हमें, ऑप्शन दे रखा 810, 900, 540 और 490। ठीक है एक दे रखा है 810, 540, 900 और 490, ए है, बी है, सी है और ए डी है। ठीक है तो सोल्व करते हैं इसको भी, सोल्व कर लेना हम इसी तरीके से, ये क्या दे रखा है लंबे का 31 दे रखा है और आधार क्या दे रखा है हमें 19 दे रखा है, तो हमें पता है ये 961 होता है और ये 831 का 961 और 29 का 841 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 2, 6, 4, 10 की 0, 9, 8, 17, 18 तो किसका होता है, ट्रिपलेट में आ रहा है कि नहीं आ रहा हमारा, पहले देख लो ये ट्रिपलेट में आता है कि नहीं आता, 1800 तो किसका हो जाएगा बर्फ, तो किसी में आता है पीछे नहीं आता, नम्मा नम्मा 81 ही दे रखा है ना इसमें, हाँ यार 31 दे रखा है। अच्छा चलो ठीक है करते हैं सॉल्व इसको, ठीक है 31/29 ही लिखा रहे हैं, इसको ट्रिपलेट से करेंगे तो फ्रैक्शन नहीं आएगा। ठीक है इसको आप सभी लोग जानते हैं कि 1 का मतलब हम यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, इसी प्रकार इसको भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसी प्रकार साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे हम यहाँ से साइन थीटा प्लस के कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है हम दोनों नीचे ऊपर और नीचे इसको टेन बनाने के लिए इसमें क्या कॉस स्क्वायर थीटा का भाग दे लेते हैं, जब हम इसमें कॉस स्क्वायर थीटा का भाग देंगे
यहाँ पे लिख लो कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देने पर, कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देने पर, कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देंगे तो क्या होगा हमारा, एक हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देंगे इसमें और इसमें, तो हो जाएगा हमारा टेन थीटा प्लस के वन, टेन थीटा प्लस के वन का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा टेन थीटा माइनस के वन का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब बस टेन थीटा की वैल्यू रख दो दोनों जगह, टेन थीटा क्या है हमारा 31/29 प्लस वन, और ये क्या है हमारा साइन थीटा, ऐसे ही हो जाएगा हमारा 31/29 माइनस वन, ठीक है। तो हो गया हमारा 31 और 29 कितना हो जाएगा, 31 और 29 60, 60/29 ये क्या हो जाएगा हमारा 60/29 से, और ये हो जाएगा हमारा 2/29 से। होल स्क्वायर चल रहा है सभी लोग ध्यान से देखना, ये क्या चल रहा है, होल स्क्वायर चल रहा है, ठीक है। 2/29 तो ये होल स्क्वायर चल रहा है हमारा, होल स्क्वायर चल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा होल स्क्वायर चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से 29 से 29 का स्क्वायर कट जाएगा नीचे, तो हमारा ऊपर आ जाएगा 60 का स्क्वायर, तो 60 × 60 लिख सकते हैं इसको, और इसको क्या लिख सकते हैं हम 2/2 लिख सकते हैं। जब इसको इससे काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 30/30, बोर्ड का इतनी जगह नहीं बची है तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा 30/30 हो जाएगा, 30/30 का मतलब कितना हो गया हमारा 900 हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 900 आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, 900 आंसर हो जाएगा।